दोस्तों आज हम अपने स्टूडेंट्स को कोल्ड स्टोरेज में लेके आए हैं और प्रैक्टिकली उन्हें ये सिखाएंगे कि अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल का एक्सपोर्ट करना चाहते हो या इंपोर्ट कराना चाहते हो तो सीए स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। देखिए सामने एक कंटेनर है जहां से फ्रूट्स जिससे फ्रूट्स इंपोर्ट हुआ है और ये इंपोर्ट हुआ फ्रूट्स कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है। यहां पे एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे कि कोल्ड स्टोरेज में किस तरीके से फ्रूट्स और वेजिटेबल को रखना है, कितने डिग्री में रखना है। सीए स्टोरेज इसके लिए फायदेमंद रहेगा या नॉर्मल कोल्ड स्टोरेज में भी आप काम कर सकते हैं। लेबर के बारे में बताया जाएगा। आप देख रहे हैं सामने लेबर लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रही हैं तो उनके कितने चार्जेस हैं ये भी जानने बहुत जरूरी होते हैं कि कल को अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कराते हैं तो आप सामने देख रहे हैं लेबर लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रही है, इस ट्रक में से अनलोड हो रहा है तो ये देखिए सारी की सारी लेबर फ्रूट्स को अपने कंधे पे उठाती हुई कोल्ड स्टोरेज के अंदर लेके जा रही है और कुछ ही देर में हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे, पूरी नॉलेज देंगे और पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब सीए स्टोर होता है भाई कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। वहाँ जो होता है टेम्परेचर तो जो नॉर्मल होता है वो रहता ही रहता है, उसके अलावा जो एटमॉस्फेयर में नेचुरल गैसेज जिस जिस परसेंटेज में होती हैं पास आउट वो गैसेज उस चैम्बर्स में उसी उसी रेशियो में पॉइंट्स बाई पॉइंट्स पास आउट रहती हैं। जरा सी पॉइंट भी ऊपर नीचे हुआ सारा मटेरियल खराब हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है जैसे ही हमारा हार्वेस्टिंग होती है हमारे पास एप्पल आता है जो हमारा वहाँ बोल रहे हैं हमारा स्टोर है मटियाना में ऊपर रामपुर में भी है मटियाना में भी है तो वहाँ पर जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल वो माल वहाँ आता है और सीए स्टोर में हम उसे डाल देते हैं और उसके बाद वो 6 महीने के लिए या 5 महीने 6 महीने जितने भी टाइम हमें उसे बंद रखना है वो डालने के बाद वो चैम्बर्स बंद हो जाते हैं। उनकी हाइट नॉर्मल 20 फीट से कम नहीं होती है। जैसे इसकी हाइट कम थी उसकी हाइट उसके ज़्यादा होगी उसमें बीन्स पैलेटाइज है, पैलेटाइज में प्रॉब्लम नहीं आती ना, पैलेट से पैलेट से आराम से उठा लेते हैं, मशीन से उतर जाता है फोर से। उसमें कोई लेबर का काम नहीं है ना। अब जो भी सीए स्टोर नया है वहाँ जितने भी सी एस्टो होंगे सब पैलेटाइज होंगे। उसमें दूसरा है गैसेज भी पास आउट होनी है, गैस पास आउट के लिए स्पेस भी रहनी है। उसमें एक टाइप से छोटी विंडो होती है बाहर पे, उस विंडो से हमें जब कभी क्वालिटी चेक करनी होती है हम उसे विंडो ओपन करते हैं, हमारी 2 बास्केट वहाँ पे रखी होती हैं उसमें हम उसे क्वालिटी चेक कर लेते हैं, वापस वो विंडो बंद हो जाती है। वो चैम्बर उसके बाद खुलेगा नहीं, जैसे आपके यहाँ विजिट हो जाती है उसकी कोई विजिट नहीं होती। जिस दिन ओपन होना होता है उससे पहले वो गैसेज बंद होती हैं, 2 दिन उसका डोर ओपन रहता है, जब जैसे सारी उसमें से पास तब वो चैम्बर के अंदर तो ही जाता है। उसमें जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरा गुड्स का गुड्स गया। एक चैम्बर वहाँ जो होता है हमारे जितने भी चैम्बर्स हैं एक चैम्बर में कम से कम 50 से 60 ट्रक तो मिनिमम है उसमें आएंगे ही आएंगे। और पूछो छोटा चैम्बर होते नहीं वहाँ, सब बड़े चैम्बर्स होते हैं तो एक चैम्बर में 80-100 ट्रक 150 ट्रक 125 ट्रक 50 ट्रक इतना मेटेरियल उसमें आता है। चैम्बर से बाहर ही हर चैम्बर विंडो होती है, आप तो बीच बीच में मंथली उसकी अगर क्वालिटी रिपोर्ट चेक करनी है आप उसी दो दो बैस वहीं पे चेक कर लेते हैं, अगर प्रेशर में तो अंतर तो नहीं आ रहा। उसमें मटेरियल वैसा ही रहता है 6 महीने बाद जैसा पेड़ पर रहता है, 6 महीने बाद भी वो मटेरियल पूरा था पूरा वैसा ही निकलेगा जैसे पेड़ पर सेम टू सेम। उसमें जो चीज़ आप रखते हैं जो चीज़ रखी जा सकती है उसमें रखती है, हम लोग एप्पल करते हैं कीवी कुछ भी कीवी भी रखी जाती कीवी भी रखी जाती उसका टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा कीवी की। एप्पल 6 महीने चल जाता है, कीवी 3 महीने 4 महीने तक चल पाएगा। मतलब ये कह सकते हो कि उसके बाद जब आप उसमें से उसे निकाल लेते हैं तो उसकी लाइफ नहीं बचती। सीए स्टोर से जो मटेरियल बाहर आएगा वो आप ऐसे माने वेंटिलेटर से बाहर आ चुका, अब वेंटिलेटर से था वो, अब उसे 15 दिन में आपने सेल कर लिया तो सही है, नहीं तो मटेरियल खत्म। देखने में जरूर वैसा है वो पेड़ जैसा लेकिन उसकी लाइफ नहीं बची होती, लाइफ तो 6 महीने पहले अंदर हो गई है। वेंटिलेटर सही का वेंटिलेटर है तो ठीक है। अच्छा हमने हार्वेस्टिंग करी उसकी 11 सितंबर में, सितंबर हमने स्टोर बंद कर दिया दिवाली से पहले पहले, अब हमने फरवरी से बेचना स्टार्ट करा है उसे, ये थे चैम्बर्स होता जून लास्ट तक हम उसे बेचेंगे। तो जून लास्ट में जो हम चैम्बर्स खोलेंगे उसमें माल आप ऐसे मानो 10 दिन के अंदर अगर हमने बेच लिया
खूब सही है, नहीं तो यहाँ वाला जो जैसे आपने हार्वेस्टिंग हुई सीधे आपने नॉर्मल स्टोर्स में माल डाल दिया, ये एक डेढ़ महीने दो महीने चल जाते हैं नॉर्मली। बेसिक तो यही चलते होंगे सर ज़्यादा, क्योंकि क्योंकि आदमी को एकदम से कोई चीज़ नहीं हो सकती, वो तो हर आदमी करता ही नहीं है, उसे उसका भी सर रेट भी ज़्यादा होगा फिर। नहीं रेट तो सर उसका अलग होता है, चैम्बर लेना पड़ेगा, चैम्बर लेना पड़ेगा उसका। कॉस्टिंग का देखिए यार फर्क तो आएगा, देख सर्विसेज बड़ा हो गया कॉस्टिंग का फर्क तो आएगा, चीज अलग होती है उसमें। कम से कम भी आपसे रेंट जो ले रहा वो 35 रुपीस पर किलो के हिसाब से रेंट आएगा उसका, क्योंकि 30 बल्कि ज़्यादा ही मैं 30 रुपीस तो एक्सपेंसिव ही मानते चलो आप, तभी तो महंगा हो जाता ना। जी सर जो भी ऐसे प्रोडक्ट है फिर उसकी फिर महंगा भी तो बिकता है ना मार्केट के अंदर, तो वही डिपेंड है भाई, डिपेंड करता है जितना पैसा होगा लगेगा मुझे निकालना तो है कहीं ना कहीं से, ये डिफरेंस है। सर इसके अंदर जैसे अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर मैं लेके आता हूँ उसके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ठीक है, ऑर्गेनिक फूड्स कोई से भी लाया मैंने उसमें रखे, आप बोल रहे हो उसमें गैस पास आउट होती है, गैस पास आउट होती है तो उससे उसकी क्या वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बाद में कोई दिक्कत करेगा वो? सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ऑर्गेनिक आइटम रखते नहीं रखते ना एक्चुअली क्या है ना कुछ लोग इनमें से ना ऑर्गेनिक फूड में डील करते हैं सर, वो देखो ना हमारा जो हम लोग जहाँ बैठे हैं मंडी के बीच में बैठे हैं तो हमें तो यहाँ फ्रूट से आज से टाइम में जरूर फ्रूट सब कम हो गया, क्योंकि हर शॉप के नीचे स्टोर हो गया है, पहले सब यहीं आता था, ये आपको यहाँ पैर रखने जगह भी नहीं मिलती, अब तो सब हर शॉप में नीचे छोटे छोटे स्टोर आप में उस दिन देते होंगे, दो गाड़ी तीन गाड़ी का अपना स्पेस बना वहीं उतार, तो वो लोग क्या करते हैं मटेरियल सीधा राई में आएगा, राई में अनलोड हुआ, राई से जितना मटेरियल लाना है वो यहाँ लाए निकाल दे और पैलेटाइज आपने वहाँ दिखला दिया होगा, अब सब जो चल रहा हो जितना नया स्टोर बनेगा वो सब पैलेटाइज, उसमें भी डिपेंड करेगा अगर आपके पास आपने मटेरियल ही आपने मुझे 500 किलो दिया है तो पैलेटाइज थोड़ी चलेगा, तो नॉर्मली चलेगा, आपने मुझे पूरा कंटेनर का लोड दिया है तो आपका 100 बस से आपके अंदर जाने हैं, 100 ही बाहर आने हैं तो पैलेट पे चले जाएंगे, पैलेट से आ जाएंगे, आपने ले ही दो जाने हैं तो पैलेट तो वैसे ही नॉर्मली आएगा तो मैंने कैसे आता है। Yeah.